वेलकम टू बिरवल्स ई लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ एलजेब्रा के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, जो बीजगणित है, बीजगणित के ट्रिकी क्वेश्चंस। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह का ट्रिकी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चन, इफ 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस 4b इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस ट्वाइस बी। ओके, अभी ये वाला दिया हुआ है, इससे हमको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, या तो a या तो b का वैल्यू निकालना है, तो हम इसको इसमें पुट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, ट्वाइस ए प्लस बी ए प्लस 4b इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ट्वाइस ए प्लस बी इज इक्वल टू 3a प्लस 12b। दिस इम्प्लाइज कितना हो जाएगा, यहाँ पे इधर माइनस ए हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, 11b। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 11b माइनस 11b हो जाएगा। ठीक है, तो यही a का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस ट्वाइस बी। ओके, दिस इम्प्लाइज माइनस 11b प्लस बी डिवाइडेड बाई माइनस 11b प्लस ट्वाइस बी। ओके, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 10b, नीचे हो जाएगा हमारा कितना, माइनस 9b। माइनस माइनस कैंसिल, b कैंसिल, 10/9 है, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। क्वेश्चन है, गिवन दैट 10⁻⁸ इज इक्वल टू एक्स, 10⁻⁷ इज इक्वल टू वाई, एंड x⁻ इज इक्वल टू वाई, देन द वैल्यू ऑफ जेड इज क्लोज टू कितना होगा। अभी ये सारे डेसिमल में दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी कुछ एक्सप्रेशन है, इक्वेशन से हम देखते हैं यहाँ पे कितना क्या क्या दिया हुआ है। 10⁻⁸ इज इक्वल टू एक्स एंड 10⁻⁷ इज इक्वल टू वाई। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, x⁻ इज इक्वल टू वाई। अभी x इज इक्वल टू क्या है, 10⁻⁸ टू द पावर z इज इक्वल टू y है यहाँ पे, तो y कितना है, 10⁻⁷। दिस इम्प्लाइज, सॉरी यहाँ पे y स्क्वायर होगा क्वेश्चन में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 10⁻⁸ z हो जाएगा इज इक्वल टू 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, अभी इन दोनों का बेस सेम है, बेस सेम होने के कारण पावर इक्वल हो जाएगा, 0.48 z इज इक्वल टू 1.4। दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 1.4 डिवाइडेड बाई 0.48, तो इन दोनों को डिवाइड करने से हमारा आंसर आएगा 2.9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। क्वेश्चन है, इफ ट्वाइस पी डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4, वेयर p नॉट इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ p प्लस 1/p इज कौन सा होगा आंसर। तो सबसे पहले हमको ये कैसे सॉल्व करना है, चलिए हम देखते हैं इसको, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं इससे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले 8p इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 8 को इधर रख लेते हैं और p को यहाँ डिविजन कर देते हैं, पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 डिवाइडेड बाय p। ओके, नाउ अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाय p लिख सकते हैं, माइनस 2p बाय p लिख सकते हैं, प्लस 1/p लिख सकते हैं। ओके, ये p कैंसिल हो गया, इसका एक p कैंसिल हो गया, दिस इम्प्लाइज p माइनस 2 प्लस 1/p इज इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज p प्लस 1/p इज इक्वल टू 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। फोर क्वेश्चन है, इफ 3⁻⁶ प्लस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 250, देन x इज इक्वल टू कितना होगा आंसर। तो अभी हमको ये वाला जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इससे x का वैल्यू निकालना है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 250 है, ये टू, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, 3⁻⁶ प्लस 3 इज इक्वल टू 250 माइनस 7, तो 250 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 3⁻⁶ प्लस 3 इज इक्वल टू 243। ओके, नेक्स्ट अभी 3⁻⁶ प्लस 3 इज इक्वल टू 3⁵। ओके,
दिस इंप्लाइज एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस थ्री इज इक्वल टू टू होगा, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। आई होप आपको आज का ये ट्रिकी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।